हेलो फ्रेंड्स, जैन किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं पैन बेजी चीला। इसके लिए हमने एक बाउल में एक कटोरी बेसन लिया है और 2 चम्मच आटा व्हीट फ्लोर, आप चाहो तो मैदा ले सकते हो। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिला सकते हो। 1 पिंच हींग, बहुत ही कम सामान में ये बन जाता है। अब इसे हम पानी डाल के मिक्स करते हैं, इससे एक लिक्विड की फॉर्म में बैटर मिलेगा जो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। एक कढ़ाई को हम गरम करते हैं। अब हम इसमें 3 स्पून ऑयल, कोई भी जो आप यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड डालेंगे और जो अजवाइन 1/4 चम्मच हमने लिए वो डाल दी और 1 पिंच हमने हल्दी ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। 1/3 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर हमने इसमें मिक्स किया है और हमने 6-7 मिंट लीव्स ली थी ड्राई वाली वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं और कुछ टुकड़े हमने अदरक और लहसुन के लिए हैं वो हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। ऑनियन भी ऑप्शनल है, 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन हमने ली जो कट करके रखी हुई थी वो हमने इसमें मिक्स कर दी। 1 पोटैटो मीडियम साइज़ का क्यूब शेप्ड में हमने काट के रखा था जिसको हम कुक करेंगे और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला देते हैं। आलूओं को गलाना नहीं है, ये पक गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। अब हम इसमें जो टमाटो कट करके रखा हुआ था मीडियम साइज़ का हमने 1 टमाटो लिया है। बैटर हमारा 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो सब्जियां हमने कुक करके रखी हुई थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। कुक करने के बाद वेजिटेबल्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। बैटर अगर हमें गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं जिससे चीला बनाने में आसानी होगी। एक पैन को हमने गैस पर रख दिया है गरम करने के लिए, अब हम इसको ऑयलिंग कर देंगे। चारों तरफ हमने ऑयल स्प्रेड कर दिया है जिससे हमारा चीला कहीं भी चिपके नहीं। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहो तो सिंपल भी कोई पैन ले सकते हो। अब हम इसमें चारों तरफ इस पूरे पैन में जो बैटर है उसको फैला देंगे। बैटर हमने चारों तरफ अच्छे से डाल दिया, अब हम इसको पकने देंगे। एक साइड से हमारा चीला फ्राई हो गया था उसको हमने पलट दिया है और चारों तरफ ऑयल डाल देंगे जिससे दूसरी साइड से भी चीला अच्छे से कुक हो जाए। इसको हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया था और इस टाइप से हम अपने चीले को बाहर निकाल लेंगे। चीला बनके तैयार हो गया है, कितना सुंदर और प्यारा दिख रहा है, टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको सर्व करने के लिए इसको कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है, इसे टमाटो सॉस, टमाटो चटनी और कर्ड के साथ सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।